अस्सलामुअलैकुम, हैप्पी व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं आंध्रा स्टाइल टमाटो का अचार। तो चलिए, किस बात की देरी, हमारे वीडियो को हम जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक पैन लेना है। मैंने यहाँ पर पैन में 1/2 किलो टमाटे लिया है। देखिए, टमाटो को इस तरह से कट करना है बड़े पीसेस में। अब इसके अंदर जाएगा इमली। मैंने यहाँ पर एक बड़े नींबू के साइज में इमली लिया है। अब इसके अंदर इमली ऐड करना है। इमली ऐड करने के बाद इसमें जाएगा 100 ml वाटर। मैंने 100 ml पानी लिया है। इन सब को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम में सारे टमाटे अच्छे से कुक होने तक हमें पकाना है। ये देखिए, यहाँ पर हमारे टमाटर जो है अच्छे से पक चुके हैं। अब स्टोव का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हमारा टमाटर जो है अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अपना हाथों का सारा ताकत लगाइए और टमाटर और इमली में का जो सारा पल्प है अच्छे से निकालना है। अब जितना अच्छे से इसका पल्प निकालेंगे ना, इसका जायका और बढ़ेगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इमली और टमाटर में का सारा पल्प अच्छे से निकाल दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 लीटर पानी। मैंने यहाँ ग्राइंडर में 1 टेबलस्पून जीरा लिया है, 1 टेबलस्पून धनिया और 1 टेबलस्पून तुअर दाल लिया है। इन सब को अच्छे से पाउडर बनाना है। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक लीजिए। अब इसमें जाएगा 1/2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। डालने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे धनिया और जीरे का पाउडर। इसके अंदर जाएगा करी पत्ता। डाल के एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम में अपने अचार को अच्छे से बॉईल होने के लिए छोड़ देना है। इसे कवर करके नहीं रखना है। कवर करने से सारा उबल के सब नीचे गिर जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर कितना अच्छे से बॉईल हो रहा है। हमें मीडियम टू लो फ्लेम में ही 10 से 15 मिनट तक अच्छे से बॉईल करना है। हमारा अचार ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम तड़का लगाएंगे। मैंने यहाँ पैन में 1/2 कप ऑयल लिया है। अब इस पर जाएगा प्याज। मैंने यहाँ पर 1/2 छोटी मीडियम से प्याज को स्लाइसेस में कट करके रख दिया है। अब इसके अंदर डालना है 1/2 टेबलस्पून जीरा, 1/2 टेबलस्पून राई, 3 से 4 लहसुन को मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है, वो भी ऐड करेंगे। अब इसमें हमें डालना है 2 से 3 सूखी मिर्च। डाल के एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर जाएगा करी पत्ता। मैंने करी पत्ता को डाल दिया है। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और देखिए, हमारा तड़का तैयार हो चुका है। यहाँ पर हमारा अचार भी अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करना है तड़का। तड़का डालने के बाद हमें और 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अचार को बॉईल होने देना है। बस इतना ही, हमारा यम्मी टमाटो का अचार तैयार हो चुका है। अचार के साथ चिकन फ्राई खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो चिकन फ्राई का अपलोड कर दूँगी। आप अपने घर पर ज़रूर बना के देखें अचार और चिकन फ्राई। घर के सारे मेंबर्स आपके फैंस हो जाएंगे। ये हैं फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। जज़ाकअल्लाह खैर।